यूपी के पास वाले की छोरी ने कर दिया कमाल। सबसे बड़ी परीक्षा पास कर पिता के सपने को कर दिया पूरा और बन गई सबसे बड़ी सरकारी अफसर। पिता है पान की दुकान के मालिक, लेकिन बेटी बन गई सबसे बड़ी अफसर। अब रंगरूट बेटी को करेंगे सलाम। पिता को मिली ये खुशखबरी तो फिर गर्व से चौड़ा हो गया सीना। देखिए कौन है ये बाकमाल बेटी और कौन है इस बेटी का खुशकिस्मत पिता, जिसे बेटी ने नाज करने के लिए कर दिया मजबूर और परिवार को दिया सबसे बड़ी सफलता का तोहफा। शाहरुख खान की फिल्म का तो वो डायलॉग आपको याद ही होगा, जिसमें वो कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और ठीक ऐसा ही कर दिखाया है यूपी के अफसर बिटिया ने, जिसने पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है, सीना चौड़ा कर दिया है और समाज में सर्वोच्च सम्मान दिलवा दिया है। पान वाले पिता की बेटी काबिल है, ये परिवार, पड़ोसी और रिश्तेदार सब जानते थे, लेकिन बेटी इतनी होनहार है किसी को नहीं पता था। पान वाले की बेटी ने सबसे बड़ी परीक्षा पास की है और सबसे बड़ी सरकारी अफसर बन गई हैं। अब पूरे देश में इस अफसर बिटिया का हल्ला बोल दिखाई दे रहा है और यूपी के काबिल युवाओं का डंका बज रहा है। बेटियां वाकई किसी से कम नहीं हैं और यूपी की बेटियों की काबिलियत का कहना ही क्या। ये वही बेटियां हैं जो पर्वतों से टकरा रही हैं, पहाड़ों से पंगा ले रही हैं और परिवार का मान बढ़ा रही हैं। हम जिस बेटी की बात कर रहे हैं, ये कानपुर की रहने वाली हैं और इनका नाम है निशी गुप्ता। निशी गुप्ता के पिता निरंकार गुप्ता एक पान की दुकान चलाते हैं और बेटी निशा ने यूपी पीएससी पीसीएस जे परीक्षा टॉप करके पिता का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यूपी न्यायिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर बहुत खुशी हो रही है। निशी का कहना है कि वो खुद को भाग्यशाली मानती हैं कि उनके पिता ने घर पर उन्हें शैक्षिक माहौल दिया, जिससे उन्हें और उनके भाई बहनों को शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली। उन्हें खुशी है कि उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में परीक्षा पास कर ली, प्रथम स्थान भी हासिल कर लिया। निशी के पिता निरंकार गुप्ता कानपुर में पान की दुकान के मालिक हैं, जबकि माँ रेखा गुप्ता एक गृहिणी है। ऋषि का कहना है कि उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा मेहनत से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उनकी बड़ी बहन एक इंजीनियर है और उसकी शादी हो चुकी है, जबकि उनके छोटे भाई ने आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग की है। ऋषि बताती हैं कि उनका पालन पोषण एक संयुक्त परिवार में हुआ था। ऋषि शुरू से ही पढ़ने में तेज थी, इंटर में उन्होंने 92% अंक प्राप्त किए थे। ऋषि को बचपन से ही वकालत में जाने का शौक था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2020 में BA LLB और 2022 में LLM करने के बाद उन्होंने प्रयागराज में कोचिंग की। ऋषि के टॉपर होने पर उनके माता पिता और शिक्षक सभी बहुत ही खुश हैं। सिलेक्शन के बाद निशी का कहना है कि उनका सपना था कि वे जज बने और न्यायपालिका में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पीएससी द्वारा आयोजित पीसीएसजे 2022 परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि राज्य की बेटियों ने हमें गौरवान्वित किया है, चयन प्रक्रिया पूरी हो गई और परिणाम रिकॉर्ड समय के भीतर घोषित कर दिया गया। उनके सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया कि इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 55% लड़कियों की सफलता और टॉप 20 में 15 स्थान हासिल करने वाली महिलाएं न्यू इंडिया के उत्तर प्रदेश की खूबसूरत तस्वीर पेश करती हैं। निशि गुप्ता की सफलता से परिवार में जश्न का माहौल है। जिसे भी खबर मिलती है वो मिठाई लेकर निशि के घर की तरफ दौड़ लगा देता है और अफसर बिटिया को सलाम पेश करता है, तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।